उत्तराखंड के मंगलौर से खबर है, जहां आधी रात से अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे तीनों आपराधिक कानूनों में बदलाव कर दिया गया है। इसके लिए पुलिस ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली है। वही मंगलौर कोतवाली परिसर में संशोधित भारतीय कानून को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। यह गोष्ठी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अमरचंद शर्मा के नेतृत्व में आयोजित की गई, जिसमें क्षेत्र के विभिन्न समाज सेवियों के साथ सीएलजी सदस्यों ने भाग लिया। आज एक जुलाई 2024 से नए कानून लागू किए गए हैं, और उसी के अनुसार जो जागरूकता के संबंध में हमारे द्वारा मंगलौर कोतवाली के अंतर्गत जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, हमारे सभी संगठनों से लेकर के जो मौजूद व्यक्ति से लेकर के सभी को हमने सीएलजी मेंबर को सबको हमने बुलाया है, और उसको लेकर एक गोष्ठी हमने आयोजित की, उसको लेकर एक जागरूकता अभियान जो है वो चलाया। कोतवाली मंगलौर हरिद्वार में जिस तरह हमारे सीओ साहब, इंस्पेक्टर साहब ने ग्राम निवासी और हमारे मौजूद व्यक्ति आए हुए थे, उन्हें जो समझा है नए कानून के, उसमें आज देश प्रदेश ग्रामीण सभी इस नए कानून का स्वागत करते हैं, जिसमें कुछ प्रावधान जो अंग्रेजों टाइम के चले हुए थे उनमें बदलाव आया है। बदलाव आने के साथ साथ कुछ कानून ऐसे बना दिए जिनमें हमें कहीं कहीं महीने लग जाते थे, अब उनमें समय सीमा निर्धारित कर दी है। जैसे हमारा कोई मोबाइल या कोई सामान दूसरी जगह कोई दूसरे क्षेत्र में चोरी हो जाता तो हमें वहाँ पर पड़ता था, आज वही जिस थाने में हम हैं उसी में जीरो टैप पर ये शिकायत दर्ज कर सकते हैं और वो मदद हमें अपने थाने से मिल सकती है। आज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ये सब जो है, इसका हम तो स्वागत करते हैं, क्योंकि हर समय पर हर 10 साल में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। चाहे वो आप देख लो, पहले अखबार आते थे, अब जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कितना दौर, आज मोबाइल आ गए, ऑनलाइन FIR दर्ज हो रही। तो मेरा कहने का मतलब है, हम तो सभी नए कानूनों का स्वागत करते हैं और ये अच्छे कानून हैं। अब प्रयास करेंगे कि हम आपके माध्यम से इन्हें जनता तक पहुँचाऊँ और अपनी ग्रामीण जनता को भी पता लगा कि भाई नए कानूनों में क्या है, कितने जनता के हित में, ये तो आने वाले समय में ही पता लगेगा।